की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है अगर आपको, 75 पेंस का मतलब 75 रुपए। तो यूनिवर्सिटी का जिम जिसकी सब्सक्रिप्शन हमें लेनी पड़ती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ वेरी ग्रेट वेलकम अगेन टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ टूर ऑफ UEA। क्या बोला तूने? मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया का टूर, जो कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ। मैं घर से निकल चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश भी पड़ रही है, सर्दी भी है। सर्दी इतनी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, जैसे हमारे इंडिया में होती है। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरा भाई कुछ भी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया के बारे में मेरे से पूछना चाहता है, अगर उसको कुछ समझ नहीं आता इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो गाइस मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया की मैं एंट्रेंस के पास आ चुका हूँ, और आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया कैसे पहुँचना है अगर आप नॉर्थ सिटी सेंटर में रह रहे हो, आपको बस पकड़नी है 26 या 25। जस्ट आपको 2 pounds की टिकट लगेगी, डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजलिया की मेन एंट्रेंस के सामने आप घूम पा रहे। गाइस, यूनिवर्सिटी की राइट साइड पे आपको मिल जाता है यूनिवर्सिटी ईस्ट एंजलिया का मेडिकल सेंटर, जहाँ पे आपने आपका करवाना है GP रजिस्टर। गाइज, ये जाता है यूनिवर्सिटी का रास्ता, जो मेन रास्ता है मैं आपको वो भी बताता हूँ, यूनिवर्सिटी की बस आपको कहाँ पे उतारती है। आपको यूनिवर्सिटी की बस उतारेगी सामने, जो आपका दिखाई दे रहा बापू, आपको उतारेगी यूनिवर्सिटी की बस यहाँ पे। इस रास्ते से आपको जाना है यूनिवर्सिटी की तरफ। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ के डोर जो है वो है ऑटोमेटिक, आपको डरना नहीं है। मैं पहली बार डर गया था। चीज दिखाने जा रहा हूँ जो कि है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जोन, जहाँ पे आके आपको आप यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आती, तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। तो गाइस, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है वो। आप जो मेन एंट्रेंस है यहाँ से भी आ सकते हो और डायरेक्ट आप आ सकते हो, इधर है इंफॉर्मेशन जोन। उससे पहले ये आ जाता है पोस्ट ऑफिस। This is called student information zone.
ये है आईटी रूम, ये वाला रूम है जहाँ से आपको आपका आईडी कार्ड मिलता है। उसके बाद ये आ जाता है कैफे, आप यहाँ पे बैठ के चाय वाय भी पी सकते हो, चाय तो नहीं मिलती कॉफी मिलेगी। ये यूनिवर्सिटी का आ गया ग्रोसरी स्टोर, ये 75 पेंस का है, मतलब 75 रुपए कुछ भी। यूनिवर्सिटी कैंपस में आप रहते हो तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी खाने पीने के लिए। मैं स्टोर में गया था वीडियो बनाने, लेकिन उन्होंने मेरे को वीडियो बनाने के लिए रोक दिया था। और अभी तो रुको, लेकिन हम है इंडियंस, बना तो लेते ही हैं। सो गाइस, अगर आप ग्रोसरी स्टोर से सामने से ये वाला रास्ता आते हो तो आपको वहाँ पे वो जो है वो आपको मिलता है अकोमोडेशन ऑफिस। अगर आपको अकोमोडेशन के रिलेटेड कुछ भी चाहिए आप वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, अभी मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजेलिया का वो वाला व्यू दिखाता हूँ जो आप देखते हो फोटोज। आपको याद होगा जब आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाते हो वो आपको जो कुछ बिल्डिंग से दिखाई देती है वो वाला मैप। गाइस, अभी हो चुकी है रात, अभी मैं जा रहा हूँ घर। रन सुबह। जब यूनिवर्सिटी से आप निकलते हो तो आप जब लेफ्ट साइड जाते हो तो उधर आ जाता साइकिल स्टैंड, इधर आप साइकिल लगा सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी का जिम, जिसकी सब्सक्रिप्शन हमें लेनी पड़ती है, और इसका है 150 pound वन ईयर के लिए, एक साल में जब मर्जी आप आ सकते हो। सो गाइस, अगर आप जिम के शौकीन हो, जिम लवर हो तो आप जिम आ सकते हो। तो गाइज, आज के व्लॉग में इतना ही, सब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ नई बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। सो टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।